तो वेल फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर दिए। लास्ट 19 चैप्टर बचा था जिसका नाम था ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने कुछ नहीं, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने जितने भी चैप्टर्स देखे ना उनको समराइज फॉर्म में ऑथर ने एक चैप्टर के अंदर दे दिया है। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। और लास्ट में ऑथर ने अपनी फैमिली की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो बताई है, जो कि ज्यादा स्पेशल नहीं है। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, जो ऑथर आपको सिखाना चाहते थे, वो ऑलमोस्ट हम सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन सारे चैप्टर्स को वन बाय वन देखिए, पूरी सीरीज को आप देखिए, आपको एक अलग क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एंड नेक्स्ट किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आज मैं बुक भी बाय करने आया हूँ, तो जो भी बुक आई गेस आप गैस करके बताओ कि नेक्स्ट सीरीज हम किस बुक पे स्टार्ट करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।